वालेकुम, क्या हाल है जी? सबका ठीक है, खैरियत से हैं। तो आज हम लोग जा रहे हैं जी एक जगह पे घूमने फिरने के लिए, और वहाँ पे स्नोफॉल वगैरह होती है, और ऑस्ट्रेलिया में आजकल सर्दियाँ चल रही हैं तो उस लिहाज से वहाँ पे स्नोफॉल हो रही है। तो जाके हमारा दिल था कि जाके चेक करते हैं, तो आए हमारे साथ, आपको चेक कराते हैं कि वहाँ पर कैसा शुगर मिला है। हंस पे मामूल फूल वगैरह डलवा के और साथ में कोई कॉफ़ी वगैरह लेंगे, और कॉफ़ी वगैरह पीते साथ साथ फिर अपना सफ़र करेंगे। सबसे पहले पहुंचे हैं कैमरा में, आगे रास्ते में क्योंकि हलाल खाना नहीं मिलेगा, तो इस वजह से यहाँ से अब खाने का सामान लिया है और अब चलते हैं आगे की तरफ, और इंशाल्लाह आपको चेक करवाते हैं कि आगे कैसा माहौल है। यहाँ पे फ़िलहाल काफ़ी ठंड है लेकिन आगे भी अच्छा होगा। क्यों मौत भाई, ये क्या चीज़ ट्राई करवा रहे हैं यार? अभी ये एक प्यारी सी चीज़ आपके लिए, ये कोई बहुत कोई ज़बरदस्त पाकिस्तानी रोगनी नान लग रहा है ये तो। इसके अंदर चीज़ और चिकन जो है ना ऐड किए। चलें फिर ये खाते हैं और फिर इसके बाद वीडियो को बनाते हैं। कैमरा बहुत मज़े का शहर है, बड़ा ज़बरदस्त सुकून वाला शहर है, और ट्रैफिक वगैरह भी नहीं है, बड़ा ज़बरदस्त ऐसे लग रहा है कि जैसे किसी सुनसान से गांव में आ गए हैं। सिडनी की ट्रैफिक हम तो हिले हुए हैं, इसलिए हमें ये चीज़ बड़े मज़े की लग रही है। यहाँ पर ये दरख्तों का बड़ा ज़बरदस्त माहौल है, ये कलरफुल, कैमरे में वो चीज़ आ नहीं रही जो आँख से बंदा देख सकता है। सूरत से रास्तों से होते हुए अभी हम पहुंचे हैं थ्रेडबो, और थ्रेडबो में ये सामने है लिफ्ट चल रही है, और अभी इंफॉर्मेशन वगैरह लेते हैं यहाँ से, और इंफॉर्मेशन वगैरह लेने के बाद देखते हैं कि हमने कहाँ पे जाना है, या तो लिफ्ट के ज़रिए ऊपर जाएंगे, और उसके अलावा देखते हैं अगर कोई गाड़ी का कोई ट्रैक है तो उस पर जाते हैं ऊपर। अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या सीन है सारा ऊपर। वहाँ पर वैसे अभी इस टाइम पर यहाँ से बर्फ़ नज़र आ रही है, लेकिन अब जाके देखते हैं कि ऊपर क्या सीन है। वैसे मौसम तो ऐसा है कि स्नोफॉल के चांस आज तो नहीं है, लेकिन ऊपर जाके चेक करते हैं कि सारा कैसा एरिया है। देखते हैं यहाँ पे थ्रेडबो में रुकेंगे या फिर इसके साथ एक एरिया है पेरिशर, वहाँ पे चले जाएंगे, और अब चेक करते हैं कि क्या सीन है सारा। बैग वगैरह पैक करके अब जा रहे हैं ऊपर की तरफ, और बड़ा ज़बरदस्त सा व्यू है उसमें, साथ में ये चेक करें क्या ज़बरदस्त सा सीन है। ऊपर जा रहे हैं इंशाल्लाह, लिफ्ट में बैठ के ऊपर जा रहे हैं, और यहाँ पे प्लान बना है कि लिफ्ट में बैठ के जाते हैं ऊपर और जाके देखते हैं कि क्या सीन है। चेयर लिफ्ट यहाँ से शुरू हो रही है, और उसका यहाँ से इंफॉर्मेशन वगैरह लेते हैं, और अच्छा इस पे यहाँ पे एक दो और ये तीन तीन ट्रैक चल रहे हैं, लेकिन इस टाइम पे एक ही चल रहा है, और वो थोड़ी सी वो बर्फ़ शर्फ पड़ी हुई है, लेकिन ऊपर जाके देखेंगे ज़्यादा माहौल होगा। ये जी टिकट वगैरह ले लिए हैं चेयर लिफ्ट के, और बस चेयर लिफ्ट की तरफ रवान दवान है, और जाके चेयर लिफ्ट पे बैठ के ऊपर जाते हैं। और एक प्रॉब्लम ये हो गया कि चेयर लिफ्ट वापसी जो लास्ट आएगी वो 4:15 पे, और इस टाइम तकरीबन 2:15 हो गए हैं, यानी 2:15 हो गए हैं, और 4:15 पे वापस आएगी। अब जाके ऊपर हम कैसा एंजॉय कर सकेंगे ये चीज़ जाके देखते हैं। या
और आपको मैंने बताया ये ऊपर जो है ना एक ही उसमें नट बोल्ट पे गेम कारी खड़ी हुई है और अल्लाह पाक हमारी हिफाजत फरमाए। मज़ा आ रहा है, वो पीछे आप देख सकते होंगे पीछे कहाँ से ऊपर कहाँ आ गए हैं और यहाँ से अभी काफ़ी ऊपर जाना है। यहाँ से जी शुरू हो गया बर्फ़ वगैरह आनी और वहाँ पे अब नज़र नहीं आ रहा इतना क्लियर। क्या शुगर मिला है जी, वो पीछे देखें, पीछे देख के तो डर लग रहा है। अब चीज़ आई है जी, चेयर लिफ्ट से उतरने के बाद एक ज़बरदस्त सा ये ट्रैक बना हुआ है, ट्रैक बहुत मज़े का बना हुआ है और ट्रैक पे आगे जाके ये छोटी सी एक आबशार सी आ रही है, कोई चश्मा सा है, चश्मे के पास एक ब्रिज सा बना हुआ है, उस पे जाके कुछ पिक्चर्स वगैरह बनाते हैं। और बड़े मज़े का ट्रैक है, इजी वाला ट्रैक है। यहाँ पे तीन ट्रैक थे, एक था हार्ड था, एक ज़्यादा ही हार्ड था और एक ये बिल्कुल ईजीएस्ट था, तो हमने ये वाला सेलेक्ट किया है और अब इस ट्रैक पे जा रहे हैं। और बिल्कुल मतलब ऐसे महसूस नहीं हो रहा, ऑक्सीजन वगैरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा। आमतौर पर हाइकिंग करते हुए ये भी मसला होता है, हालांकि यहाँ पे टेम्परेचर जो है काफ़ी लो ही है इस टाइम पे, जिसकी वजह से ये सारी बर्फ़ वगैरह कुछ दिन पहले पड़ी भी है। ये जी एक चेक करें, बड़ा ज़बरदस्त सा निज़ाम बना हुआ है पानी का, चश्मे टाइप है। मज़े का मौसम है, ऊपर एक तो ठंड काफ़ी ज़्यादा है और ठंड की वजह से जो है ना मज़ा भी काफ़ी आ रहा है। सबसे मज़े की ये चीज़ है कि यहाँ पे इस टाइम पे कोई रश वगैरह नहीं है, कोई और दुनिया के लोग नहीं हैं, हम अपना ज़बरदस्त इंजॉय कर रहे हैं और मौसम के साथ साथ पिक्चर्स वगैरह रुक रुक के ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। हाल चेक करें, ये जो पानी सादा पड़ा हुआ था ये भी आहिस्ता आहिस्ता फ्रीज होना शुरू हो गया, चेक करें इसको। ऊपर ट्रैक से घूम फिर के अब वापस आ गए हैं और बड़ा ही मज़ेदार ट्रैक था, मज़ा बड़ा आया, जैसे पाकिस्तान में जाते हैं। और सबसे मज़े की ये बात थी यहाँ पे कि इतनी ज़्यादा सर्दी भी नहीं थी, हाथ वगैरह थोड़े से जम रहे थे लेकिन उस लेवल की नहीं थी, इसलिए मज़ा आया, काफ़ी इंजॉय किया है। अब वापस जा रहे हैं और यहाँ से बैठेंगे चेयर लिफ्ट पे दोबारा और चेयर लिफ्ट पे जाएंगे नीचे और जाके इंजॉय करते हैं। यहाँ पर तो बहुत मज़ा आया, अब नीचे जा के देखते हैं कि नेक्स्ट क्या सीन है। अभी जाएंगे इसमें बैठ के वापस नीचे। बैठ के अब जा रहे हैं जी वापस नीचे चेयर लिफ्ट पे और जाते वक्त तो बड़ा मज़ा आया लेकिन उतरते वक्त अब थोड़ा सा डर लग रहा है, क्योंकि ये देखें ना बिल्कुल एकदम नीचे उतरना है और यहाँ ऊपर से आ रहे हैं तो इसलिए हमें बड़ा मुश्किल हो रही है, जाते वक्त थोड़ा सा डर लग रहा है लेकिन अब तो थोड़ा अब रास्ते में पहुँच गए, अब तो आदत हो गई है। चेयर लिफ्ट से हमारी ज़बरदस्त लैंडिंग हो गई है और इसके बाद जा रहे हैं गाड़ी की तरफ। गाड़ी में हमारे पास जो खाना था रास्ते में लिया था वो यहाँ से अब कहीं पे गर्म करवाते हैं और बैठ के कहीं पे खाना खाते हैं और एंजॉय करते हैं शाम का टाइम, और इसके बाद फिर निकलते हैं घर की तरफ वापस। गाड़ी के पास पहुँच गए हैं तो अब चल रहे हैं जी वापस की तरफ और बैठते हैं गाड़ी में और निकलते हैं अब वापस। ये छोटा सा एक गांव है, यहाँ पे रुके हैं अभी खाना खाने के लिए, खाना हम साथ लेके आए हुए थे तो यहाँ से बस फ्यूल स्टेशन से उसको गर्म किया है, क्योंकि यहाँ इन एरियो में ये मसला होता है कि हलाल फूड आपको मिलता नहीं है, तो
तो इसलिए हम अपने साथ लेके आए थे खाना। अब खाना खाएंगे और चलते हैं फिर वापसी की तरफ। सर्दी काफ़ी होगी यहाँ पे और बड़ा छोटा सा एक सुनसान सा स्टेशन है यहाँ पे। सिर्फ इस टाइम पे जो है एक फ्यूल स्टेशन है और एक मैकेनिक शॉप खुली हुई है, उसके अलावा एक कैफ़े है और बाकी बिल्कुल सुनसान सा एरिया है। बिरयानी साथ लेके आए हुए थे और इन्जॉय करके ज़बरदस्त खा रहे हैं, साथ में सलाद रायता और पीछे भाईजान पिज़्ज़ा खा रहे हैं। कहाँ पे जी आपका पिज़्ज़ा नज़र नहीं आएगा। खाना वगैरह खा के अब आए हैं, रुके हैं, कॉफ़ी वगैरह पीते हैं और इसके बाद चलते हैं घर की तरफ। और रास्ते में तो अंधेरा होगा इसलिए वीडियो वगैरह नहीं बनाऊँगा मैं, और इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।